हेलो सब गाइस, मैं विथन, स्वागत है आपका मेरे को नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने ओयो के ऊपर काफी ज्यादा वीडियो बना के डाली हुई है। अगर आप ओयो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आप सर्च करें या भी आप सर्च करें तो आप मेरे चैनल के ऊपर एक प्ले लिस्ट मैंने बना के डाली हुई है, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। जो भी ओयो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, मैंने हर एक टॉपिक को कवर करके वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो कवर करके बना दूँ। और उन वीडियोज के ऊपर मेरे को जो भी ज्यादा कमेंट्स आते हैं, मैं उनके ऊपर एक और वीडियो लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं मैंने अपनी प्ले लिस्ट के अंदर इस वीडियो की कमी रखती। तो इसलिए मैं आज का जो टॉपिक है मेरी वीडियो का वो ये है। मेरे पास जो ज्यादा कमेंट्स आए, लोगों ने मुझसे पूछा कि सर क्या 2 या 3 घंटे के लिए हम ओयो होटल बुक कर सकते हैं। टॉपिक पे मैं आज बात से बात करने वाला हूँ कि क्या आप 2-3 घंटे के लिए होटल बुक कर सकते हैं या नहीं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की, जो आप नहीं करते हो वीडियो देख के चले जाते हो, इसलिए आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। नेक्स्ट वीडियो जो भी सोच कर लेके आऊंगा वो आपके लिए ही लेके आऊंगा कि आप बेहतर से बेहतर अगर मेरे चैनल पे आए हैं तो एक अच्छी नॉलेज और अच्छी टेक्निकल नॉलेज आप मेरे से लेके जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, 3 या 4 घंटे के लिए आप वही होटल को बुक नहीं कर सकते। ऐसा पहले हुआ करता था, ठीक है, आप 6 घंटे की शायद वहां पे शिफ्ट ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको 24 घंटे या किसी किसी होटल के अंदर आपको 12 घंटे के लिए ही होटल वहां पे बुक करते हैं। लेकिन आप जैसे ही वहां पे करेंगे होटल के लिए, जैसे मान लिया आपने 24 घंटे के लिए वहाँ पे बुक किया या फिर आपने 12 घंटे के लिए वहाँ पे होटल को बुक किया, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पे 12 घंटे रहना है। वो आपकी मर्जी है, चाहे आप वहां से 1 घंटे रुकिए या 2 घंटे रुकिए, 4 घंटे आप उस होटल में रुकिए, लेकिन इसमें शर्त क्या रहेगी कि आपको पेमेंट जो है वो पूरे 12 घंटे की या सिर्फ आपको या फिर आपको पूरे 24 घंटे की पेमेंट वहां पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में आपका होटल वो 12 घंटे के लिए है या फिर वो आपका 24 घंटे के लिए, उसके बीच में आपकी मर्जी है कि आप वहां पे 2 घंटे रुके या 2 घंटे लेट पहुंचे या 2 घंटे पहले वहां से निकल जाए या 3 या 4 घंटे के लिए आप वहां पे स्टे करें और फिर वहां से आप निकल जाए। लेकिन वो होटल आपका जितनी भी टाइमिंग के लिए आप बुक करेंगे उतनी टाइमिंग के लिए वो होटल आपका रहेगा, चाहे वो 12 घंटे के लिए हो चाहे वो 24 घंटे के लिए। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको अपने 3 या 4 घंटे के लिए आप वहां पे होटल में नहीं रुक सकते। आपको पेमेंट पूरी करनी है 12 घंटे की हो या 24 घंटे की हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है कि आप 3 घंटे या 4 घंटे वहां पे रुकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज या क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके हेल्पफुल और यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूँ।